इजाजत भी नहीं थी। तो एक होता है साहिब सनद और दूसरा होता है साहिब इस्नाद। साहिब इस्नाद होता है जो लोगों को भी कन्वे कर देता है, वो लोगों को भी पैगाम पहुंचा देता है। तो काबिल एहतराम बुजुर्गों, हमारे की अकाबिर इनका ये सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तफसीर के हवाले से, हदीस के हवाले से, दीन के फहम के हवाले से, वो एक कंटिन्यूस नरेशन चेन और सिलसिला इस्नाद से जुड़ा होता है। यानी ये लोग जो बात करते हैं फाउंटेन वहां मिला हुआ है। अगर किसी जगह भी आपका राबिता मीन्स इस कार का राबिता इसके पावर हाउस से कट जाए, इस बल्ब में लाइट आएगी नहीं। चाहे वो राबिता बटन और बल्ब के दरमियान कट गया, चाहे वो राबिता बटन और मीटर के दरमियान कट गया, चाहे वो राबिता बिजली के मीटर और बोर्ड के दरमियान कट गया, चाहे वो राबिता बिजली के बोर्ड और ट्रांसफार्मर के दरमियान कट गया, या वो ट्रांसफार्मर का राबिता ग्रिड स्टेशन से कट गया, जहां भी जनरेशन चेन डिस्कनेक्ट हो गया, बल्ब में लाइट आएगी नहीं। आप कहेंगे जी ये बल्ब तो मैंने फला स्टोर में, लाम ट्रच में, औश में, फला फला में 100 रुपए का ले लिया है, ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? भाई इसलिए नहीं दे रहा कि सिलसिले समय फाउंटेन से नहीं मिल रहा जहां बिजली पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान के हवाले से हमारे ग्रिड स्टेशन में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के हवाले से हमारे लिए मरकज और मंबा है। और ये बुजुर्ग और अकाबिर सिलसिले असनाद के असास पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमे करते हैं। कादर इहतराम वाले बुजुर्गों, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की बुनियादी तीन जिम्मेदारियां जो कुरान करीम में 5 जगह पे जिक्र की गई है, यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुम किताब व हिक्मा, ये इस पैगंबर की जिम्मेदारी शरीयत की तालीम देना, इस पैगंबर की जिम्मेदारी तरीकत के असास पर लोगों की इस्लाह अहवाल करना, और इस पैगंबर की जिम्मेदारी एक निजाम हक इंसाफ कायम करना। अव्वल जिक्र को हम शरीयत कहते हैं, सानी जिक्र को हमारे बुजुर्ग तरीकत कहते हैं, सालिसुल जिक्र को हमारे बुजुर्ग सियासत कहते हैं। कि नबी का काम वो सिर्फ अशराफ की इस्लाह नहीं हुआ करती, नबी का काम बिलाद की इस्लाह हुआ करती है। पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का गलबा मुराद होता है, ये अलायदा बात है। ये डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे काम कैसे हो, हिंदुस्तान में कैसे हो, बंगाल और पाकिस्तान में कैसे हो, अरेबियन पेनिनसुला में कैसे हो, मुस्लिम रियासत में कैसे हो, एक मुस्लिम रियासत में कैसे हो, ये अहले दिल जानते हैं। हम और आप तो आ जाते हैं, तो ये अहले दिल हमें उसको हिदायत दिया करते हैं कि आपने कौन सा तरीका इख्तियार करना है। इस सिलसिले में मैं एक बार फिर अर्ज करता जाऊं कि हमारे अकाबिर का तरीका ये रहा है, कोई उनके सामने उनकी तारीफ करे तो वो खुश नहीं होते, वो खफा हो जाते हैं। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की हदीस पे अमल करते हुए मला अल्लाह का तुरावन और कमा काला अलैहि सलातो व सलाम, तो काबिल एहतराम बुजुर्गों अलबत्ता किसी शख्सियत की अहमियत और उसके बयान की अहमियत वाजे करने के लिए हम हमेशा मशाइख का सहारा लिया करते हैं। अगर तो शेख दामत बरकात का सिलसिला इस्नाद तो जब एक नाम लिया जाए मस्ता वाजे हो गया। शेख उलिस्तान मुस्लिमीन इमाम उल मुजाहिदीन हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह, जो बैत व अरब व हजर दोनों के शेख थे, जो आपको दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में एक मुहद्दिस के तौर पर हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के पैगाम को सिखाते हुए नजर आएंगे, तो मदीना की बात बताऊंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के सामने, वो उस पैगंबर की दुनिया हदीस की खिदमत कर रहा है जहां पूरी दुनिया के उलमा आकर हजरत शेख उल इस्लाम उल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तफादा करते थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थी, एक मुख्तसर सी बात करता हूँ कि मौलाना इलियास साहब कामरेबी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि हजरत मदनी की विलायत की कदम जहां से शुरू हो जाती है वहां पे लोगों के विलायत के सर लगे हुए हैं। यानी लोग जहां इंतहा पे पहुंचे हैं वहां मौलाना मदनी का पहला कदम शुरू होता है। और हजरत शेख उल तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी जो खुद ही साहिब कश्त मुकाशफा थे वो फरमाया करते थे कि हज के मौके पर मदीना तैयबा में अवलिया अल्लाह का इज्तिमा होता है, फरमाया बंदा भी उसमें हाजिर होता है। पूरी दुनिया के अवलिया का मुशाहदा करने के बाद एक नतीजे पर सारे बुजुर्ग पहुंच जाते हैं कि आज के दौर में शेख उल इस्लाम और मुस्लिमी हजरत मौलाना मदनी से बड़ा कभी कोई नहीं। तो काबिल एहतराम बुजुर्गों हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के आलिम और मुअल्लिम, तलक पर तरीकत के मुर्शिद, ये अलायदा बात है कि सियासी मामला में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह इतने इकबाल होते, कोई इरशाद और इस्तिरशाद के लिए आते तो एक मुख्तसर सा रोका लिखकर हजरत मौलाना तानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भिजवाते। बुजुर्गों से सुना कि हजरत तानवी कह देते खुद अपने आप को छुपाए रखते हैं इस नाकारा के पास भिजवाते रहते, वरना इतने बड़े बने हैं कि एक नजर से दिल की दुनिया बदल जाती है। काबिल एहतराम बुजुर्गों उलमाए देवबंद ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दीन का झंडा बुलंद कर दिया। उलमा सफर अली खान मरहूम ने बड़ी प्यारी बात कही, शान बाशो शाद जी ए सरजमीन देवबंद, उसने तो हिंद का लफ्ज कह दिया, मैं जरा उसकी रूह से माजरत करते हुए
بے روزگار شخصیت جن کی حیثیت علماء عرب نبی مسلم کی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء تو ڈھیر سارے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں, ڈھیر سارے مدارس لوگوں کو سرٹیفائی کرتے ہیں, لیکن دیوبند جس کو سرٹیفائی کر دیتا ہے تو اسے باعمل بنا دیتا ہے. وہاں سے نکلا ہوا مفسر ایک مجاہد اور باعمل مفسر ہوتا ہے, وہاں سے نکلا ہوا محدث ایک مجاہد اور باعمل محدث ہوا کرتا ہے, وہاں سے نکلا ہوا فقیر ایک باعمل اور مجاہد فقیر ہوا کرتا ہے. بابے احترام بزرگوں اور شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ علماء شریعت کے ٹکڑے میں دیکھیں تو مولانا مدنی سرکار نظر آئیں گے, اگر آپ نے بارے طریقت میں دیکھیں تو وہ شاہ سوار نظر آئیں گے, اور اگر آپ نے دان سیاست میں دیکھیں تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ماتا کی اسارت کے موقع پر مجاہدانہ صدایں بلند کر رہا ہے, اور اس وقت کی اس سلطنت کو جس نے کبھی صورت غروب نہیں ہوتی اس کو للکار کے رہے. اور قابل احترام بزرگوں, آج ہمارے اور آپ کی سعادت ہے, ورنہ یہ کفر کی فضائیں, کفر کی فضائیں یہ کافرانہ ملک جہاں پہ ہر طرف فحاشی ہی فحاشی پھیلی ہوئی ہے, روح کی کوئی اہمیت نہیں رہی, جب روح اہم نہیں رہی تو ہماری تربیت کہاں کی اہم ہو جائے گی, جہاں پہ بات ہی میٹر اور مادے کی ارتائی ڈھونڈتی ہو, جہاں پہ سکھ و شانت کا مادے ہی مادے کے لیے ہوتا ہو, وہاں پہ روحانیات کا درس ملنا یہ باقی اللہ کی مہربانی ہوگا کرتی ہے. بل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایمان ہے, قرآن و حدیث یہ الیکٹرک کرنٹ ہے جو ایمان کے انسولیٹر یا کنڈکٹر سے گزرتے رہتے ہیں, ایمان نہیں ہوتا تو یہ کرنٹ کام نہیں کرتا ہے. ان شاء اللہ حضرت مدنی دامت برکاتہم آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے, ہم تہ دل سے نہ صرف یہ کہ ان کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں معروف نہ فرمائیں, ہمیشہ جب بھی موقع ملے تو آپ ہمیں ارشادات سے اپنے ہدایات سے مستفید فرمائیں, کیونکہ آپ کا بیان ایک پورے سال کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ خیر ہوا کرتا ہے, ہم ایک ایک بات لے کر اسے اپنے لیے مشعل راہ بنا دیتے ہیں. تو ابھی میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہم اسی کو دعوت خطاب دے دیتا ہوں کہ حضرت صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ارشادات سے مستفید کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگ بھائیو, اللہ تعالی نے سارا عالم اور جو کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اللہ نے انسان کو مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہے. قرآن کریم میں چار قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پورے زور سے قوت سے فرمایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے بہتر معیار پر پیمانے پر بنایا ہے. تو انسان سے زیادہ شرافت اللہ نے کسی چیز کو نہیں عطا کی. اللہ نے انسان کو مخدوم اور ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تمام چیزوں کو انسان کا بیگانہ خادم بنایا.
اللہ نے فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا. اے لوگوں تم نے غور نہیں کیا, دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں کی کہ اللہ تعالی نے جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں ہے تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر بیگاری خادم بنایا. ہر چیز دنیا کی خادم ہے اور صرف اکیلا انسان پورے عالم کا مرد. اللہ نے انسان کو انگنت انمول نعمتیں عطا فرمائی. دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کی عارضی زندگی کے واسطے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اندھا نہیں بنایا. سننے کے لیے کان دیے, بہرا نہیں بنایا. بولنے کے لیے زبان دی, گونگا نہیں بنایا. سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, دل دیا, دماغ دیا, معدہ, جگر, رگ رگ میں, جوڑ جوڑ میں, بند بند میں انگنت نعمتیں انمول انمول عطا فرمائیں. یہ سارا عالم, یہ ساری نعمتیں دے کر تھوڑے دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. کوئی آدمی کبھی کسی قسم کا آج تک ایک بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جو یہاں آیا ہو اور چھوڑ کر جانا نہ پڑا ہو. ہمیشہ ہمیشہ سے یہی رہتا ہے اور ہمیشہ رہے. ایسا ایک آدمی بھی نہیں بتایا جا سکتا جو آیا, سارے دنیا بھر کے جتن کیے لیکن ایک دن سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا. اور دنیا میں جو کچھ ہے, زمینیں, باغات, کھیتیاں اور فارم, بڑی بڑی تجارتیں, کوٹھیاں, بنگلے, فرنیچر, پراپرٹیاں, ریاستیں, حکومتیں, دولتیں, فوجیں, قلعے, انڈسٹریاں, کارخانے, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, کرنسیاں, بینک بیلنس, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, شوہر, دولت, جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ہے, ایک ذرہ, ایک متنفس کسی وقت کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں. ساری دنیا جتنی جہاں سے جو ہو سکتی ہے سب دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا, حسرت, سوز, غم, تکلیف کے ساتھ اکیلا جائے. اس پوری دنیا کی زندگی میں صرف ایک چیز, عمل ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ بہر حال جائیں. اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی جہاں, جب, جس وقت, کتنے ہی برسوں, 50, 40, 60 پہلے کبھی ایک ذرے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل کرے, کیسے ہی معمولی, کتنی ہی دنیا کی کسی ملک میں کتنی دور, 20-30 ہزار میل دور, 50 برس پہلے اگر کسی نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا اچھا تو یہ نہیں جائے گا. تمام زندگی کے سارے اچھے عمل اللہ کے یہاں محفوظ. ایک لفظ کہا, ایک بات کہی, ایک قدم چلے, ایک پیسہ خرچ کیا, کچھ بھی کوئی اچھی چیز تھی, سب اللہ کا, اور موت کے بعد اس کو دے دیا جائے گا. تم یہ تمہاری کمائی ہے, تم دنیا میں کر کے لائے تھے, تمہاری پوری ہے, لو اسے سنبھالو, رکھو, ڈالو, دیکھو.
اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کبھی کہیں کیسے کوئی برا کام حرام خراب شر فساد چھوٹے سے چھوٹا ایک ذرے کے برابر پچاسوں برس پہلے کبھی کیا ہزاروں میل دور کہیں کیا بوم کی وجہ سے زمانے کی وجہ سے کھویا جائے جتنی برائیاں زندگی بھر آدمی کرتا ہے سب اللہ کے ہاں اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا لو تمہاری یہ کمائی دنیا ہے دنیا بھی یہی سب کچھ تم نے کیا تو آدمی کے ساتھ صرف عمل اچھے اور برے نماز پڑھتا ہے اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے بسم اللہ سے شروع کیا اور ایک بال برابر کہیں سوکھا نہیں رہنے دیا وغیرہ تو بھی اس کی نیکی ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کا ہر قطرہ آدمی کی خطاؤں کو گناہوں کو بہاتا ہے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جسم سے دھلتے ہیں اور بچتے ہیں بہرحال اسی طرح نماز ہے جماعت سے مسجد میں پڑھنے گیا رمضان کے روزے رکھے زکات دی صدقہ کیا خیرات کی حج کیا عمرہ کیا طواف کیے سعی کی قرآن کریم کی تلاوت کی ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیوں کا ثواب ہے اسی طریقے سے نفلیں پڑھا ذکر کیا درود شریف پڑھا کسی بیوہ یتیم محتاج فقیر ضرورت مند اس کی مدد کی جو مسلمانوں میں کہیں جھگڑا تھا کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور کوشش کر کے صلح کرائے جھگڑا مٹایا باپ بیٹے کا ماں بیٹے کا بیوی شوہر کا بھائی بہن کا پڑوسیوں کا کاروبار کے شور شریک لوگوں کا کوئی بھی جو مسلمانوں کا جھگڑا نمٹایا ہر نیک کتنی ہی چھوٹے سے چھوٹے جا رہا تھا پتھر پڑا دے کسی کو ٹھوکر لگ جائے یوں نہیں سوچا ہوگا لگتا ہو اس نے کھڑے ہو کر اٹھایا اٹھا کر اندر کانٹا پڑا دیکھا کسی کو چبھ جائے گا زخمی ہوگا پاؤں میں تکلیف ہو جائے گی اٹھا کر کے پھینک لیا کوئی بھی نہیں معمولی سے معمولی سب اللہ اسی طرح جتنی برائیاں شراب پی جوا کھیلا زنا کی جھوٹ بولا غیبتیں کی قتل کیا فساد جھگڑا کیا لوگوں میں لڑائیاں کرائیں اب تمام جوا کھیلا سنیما دیکھا ٹیلی ویژن دیکھا ویڈیو دیکھا اور بے پردہ مرد عورتیں ایک دوسرے کے سامنے آئے کوئی بھی حرام کام کیا کسی کو دھوکہ دیا وعدہ کر کے خلاف کیا نہیں پورا کیا معمولی سے معمولی کوئی برا کام جو آدمی کرتا ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تمام برائیاں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں اور موت کے بعد اس کو دے دیا کہ لو تم بھائی دنیا میں سب چل رہے یہی چیز ایک انسان کے ساتھ ہے جو دنیا بھر رات دن جنون آئے دنیا آئے دنیا آئے دنیا تو ساری دنیا جتنی چاہے کما لے جمع کر لے سب چھوڑ کر جائے اس کا وبال صرف جائے گا ساتھ اور کچھ تو اس لیے بھائیو یہ دنیا بے شک انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا لیکن اس دنیا کا مقصد آخرت کی تیاری کی سہولتیں دینا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو
सिर्फ अपनी इबादत के लिए, ताअत के लिए, फरमा बरदारी के लिए पैदा किया। इनकी पैदाइश का मकसद, दुनिया की पैदाइश का मकसद इंसान के काम आना, और इंसान के पैदाइश का मकसद अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी और हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार। यदि दुनिया इस्तेमाल करो बर तो जायज है, लेकिन जिस तरह और जितनी इजाजत है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है जितना जी चाहे, लेकिन गलत तरीके से, हराम तरीके से नहीं जिंदगी मत गुजारो, ताकि तुम जब दुनिया छोड़ कर जाओ तो मुसीबत बर्बादी, गजब गजब अजाब में मुबतला। अगर तुम इसकी परवाह नहीं करोगे तो ये दुनिया तो एक दिन छुटेगी, जाना होगा। आदमी हकीकत में जिस्म बदन का नाम नहीं है, ये जिस्म तो इंसान को दुनिया परतने के लिए आर्जी तौर पर थोड़े दिन के लिए दिया गया है, इंसान नहीं है। जैसे बहुत कीमती ड्रेस कपड़े आप बना ले लाखों के, तो सोना हीरे जवाहरात जो चाहे टांग ले, उसकी वजह से वो कपड़े आदमी नहीं कहलाते। आ इंसान की जरूरत की चीज है सर्दी गर्मी बरसात जीनत हासिल करने के लिए पहनना। इसी तरह बारिश में छतरी लेकर आप चले वो आदमी नहीं, जूता पहने आदमी नहीं, कार इस्तेमाल करें लाखों डॉलर वो आदमी नहीं। तो बहुत लाखों चीजें हैं जो बहुत अहम, बहुत कीमती, बहुत जरूरी, लेकिन इंसान नहीं। इसी तरह ये बदन इंसान है, इंसानियत की जितनी बातें इस बदन में पाई जाती हैं वो जान की वजह से पाई, रूह की वजह से पाई। जब तक रूह है या आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जुबान बोलती है, हाथ पकड़ते उठाते दिखते पढ़ते धरते सब काम करते हैं, पांव चलना फिरना उठना बैठना लेटना सब काम। लेकिन यही आदमी जिस मिनट जिस सेकंड इसकी जान इसके बदन से निकाल ली जाए, बदन में कोई हिस्सा आजू टुकड़ा रुआ बाल कहीं नहीं जाए, कम नहीं, सब का सब रहे, यही आंखें रहेंगी देखेंगे, यही कान रहेंगे सुनेंगे नहीं, यही जुबान रहेगी बोलेगी नहीं, यही हाथ रहेंगे मारो काटो गाली दो जूते मार कुछ नहीं करेंगे, पांव न भागेगा न उठेगा किसी काम का। जब तक जान थी कैसा हसीन जमील खूबसूरत प्यारा बा कमाल, और सिर्फ जान गई कुछ नहीं हो गया, सारे कमाला दूर हो गए। अब वही बदन जो सारी उम्र कभी फूला नहीं था, फटा नहीं था, सड़ा नहीं था, फूलेगा फटेगा सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे टुकड़े टुकड़े होकर खाक मिल जाए। उसके बेटे बेटियां बीवी शौहर भाई बहन माँ बाप दोस्त अहबाब कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता कि इसको हम जाने नहीं देंगे, इसने ये घर ऐसे बनाया था और ऐसे बनाया था और इतने दिन तवज्जो से और ये किया यही रख नहीं। हर आदमी एक ही धुन में लग जाएगा, जल्दी निकालो जल्दी ले जाओ। जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं ले जाने के कर रहे हैं, रोकने का कोई नहीं कर सकता। अब इसको गलती सड़ती लाश को कौन रखे, इसलिए इस बदन को आदमी समझना और इसी के लिए जीना मरना रात दिन
इसकी ख्वाहिशात, इसकी लज्जतें, इसके ऐश आराम सारी दुनिया बसा रखी है, और आदमी के लिए कुछ कर रहे हो लौटा, फुर्सत नहीं, तवज्जो नहीं, यकीन नहीं, ईमान नहीं, अल्लाह पर नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए पूरी कोशिश तवज्जो दे, बस दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, और इसी तरह हाय हाय करते दिन चले जाएंगे। ये नाकाम तरीन से जिसमें इंसान है ही नहीं, ये तो ऐसा है कि जैसे आप अपने जूते के बनाने सिंघारने में सारी जिंदगी लगा दें, जूते की क्या हैसियत, जरा सी देर में सूख कर समझ कर फट कर यहां कूड़े में पड़ा पड़ा रहता है ढेर में, खाके फेंक दिया जाता है, इंसान नहीं है वो असली इंसान, उसकी जरूरत को देखना जरूरी है। अकल का ये तकाजा, ईमान का ये तकाजा, और भलाई का और बर्बादी से बचने का ये तकाजा, कि इंसान की फिक्र, ये बदन तो बना हो जाए लेकिन इंसान बना नहीं होगा, इंसान जिंदा रहेगा, उसको इस जिस्म से निकाल कर अलग करके आखिरत में भेज दिया जाए। हर आदमी को, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा जवान, मोमिन काफिर, मौत के बाद आखिरत में जाना पर जिंदा रहे, आखिरत की जिंदगी दुनिया की तरह 100-200 बरस की नहीं, सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की, लाखों वर्षों को खत्म नहीं होगी, तो फिर इस दुनिया में किसी आदमी को आना होगा, न किसी और तीसरे आलम में जाना होगा, और न फिर कभी मौत आए, हमेशा हमेशा आखिरत में जिंदा रहना। आखिरत जहां हर आदमी को जाना है, किसी तरकीब से ताकत से बच नहीं सकते, और जाकर हमेशा हमेशा जिंदा रहना, वहां ऐश मिले, राहत मिले, जन्नत मिले, अल्लाह राजी हो, मुसीबत अजाब जहन्नम खुदा की लहनत उसके गजब से बचे, उसका सिर्फ एक रास्ता, दो नहीं, दूसरा कोई रास्ता अल्लाह को मंजूर नहीं, और वो रास्ता इस्लाम का। अल्लाह ने ऐलान किया इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो तरीका और रास्ता जो नजात दिलवाएगा वो सिर्फ इस्लाम, दूसरा नहीं। हुजूर के आने के बाद जितने रास्ते दुनिया में थे सब फेल हो गए, कैंसिल हो गए, अब उनमें कुछ नहीं रखा है सिवाय तासुब और बेईमानी और खुराबाद और दुनिया, तो अल्लाह को किसी कीमत पर मंजूर नहीं इस्लाम के अलावा हो। अल्लाह ने ऐलान किया कुरान में वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, अगर कोई आदमी इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते को इख्तियार करे, मसलन क्रिश्चियन हो जाए, यहूदी हो जाए, पारसी हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, सनातन धर्मी हो जाए, आर्या समाजी हो जाए, जैनी हो जाए, सिख हो जाए, कादियानी हो जाए, शिया हो जाए, हुजूर के तरीके के अलावा किसी और रास्ते को अख्तियार करे, अल्लाह ताला फरमाता है हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, कोई ताकत नहीं जो अल्लाह से उस रास्ते को मनवाए और दूसरा रास्ता कामयाब हो, ऐसा तमाम लोग नाकाम होंगे, घाटा नुकसान टोटा उठाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, हरगिज किसी तरह से कोई रास्ता अल्लाह के यहां कबूल नहीं किया जाए। तो एक ही रास्ता,
और वो रास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मुकद्दर अपना दुरुस्त करना होगा उस पर चलेंगे निजात। और अगर कोई इसके खिलाफ किसी रास्ते में चलता है बर्बाद होंगे, तबाही और खुदा के गजब निजात किसी कीमत पर कोई दिलवा नहीं। इसलिए भाई जरूरी है कि इस दुनिया की हकीकत को समझा जाए। बेशक दुनिया तुम्हारे लिए बस्तो इस्तेमाल करो, लेकिन तुमको अल्लाह ने दुनिया के लिए इजाजत दी है इस्तेमाल करो, भेजा है दुनिया में आखिरत की तैयारी। आप एक नौकर रखें और कहें भाई ये तुम्हें नाहवार दिया जाएगा, पे तनख्वाह और ये खाना और ये रहने के लिए कमरा, और तुम्हें रोजाना एक दो तीन चार पांच ये काम कर ले, आपसे इत्तेफाक हो जाए, साइन हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, सब हो जाए, और उसके बाद वो मुलाजिम खाने के वक्त आ जाए, खाने तनख्वाह के दिन पूरे हो तनख्वाह लेने के लिए आ जाए, सोने का वक्त आए कमरे में चले जाकर के आराम करें, और जब काम का वक्त आए तफरी करें, घूमे गपशप करें, दोस्तों के पास चला जाए, जो ड्यूटियां थी जिनको इकरार किया था तय किया वो काम न करें। कोई को कोई गवर्नमेंट ऐसे मुलाजिम को नौकरी पर रखवाएगी? बोलो क्यों भाई? कान पकड़ के निकाला नहीं जाएगा? हम सारे के सारे जो दुनिया में इसी जगह खराब न हो, खाना पीना नेहमतों को फायदा उठाना सारी दुनिया बरतना हमें सब बड़ा अच्छा लगता है, और ड्यूटी जिसके लिए दुनिया दी गई है उस काम के लिए तैयार नहीं, उसके लिए वक्त नहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं, उसको करते नहीं, हम सुनाने वक्त हराम करो। तो भाई ये तो अल्लाह का करम है कि उसने ये तमाम बगावतों के होते हुए फिर हम पर करम फरमा रखा है, और हमें बर्बाद नहीं करता, अमल की सजा नहीं मिलती, और हम दुनिया में पड़े हुए, वरना हम तो इस काबिल हैं अपने अमाल के अतबार से कि सब चटनी कर दिया जाती है इसके बाद, किसी को एक मिनट के लिए जिंदगी नहीं। इसलिए भाइयों ये चीज अकल के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, सिर्फ शैतान के धोखे और नफ्स के चक्कर में आकर के अपनी असली जिंदगी को बर्बाद करना, अथाह जिंदगी को जिसकी कोई हद नहीं, इससे बड़ी दुश्मनी अपने साथ हो नहीं हो सकती। इस वास्ते इंसान को खुसूसन ईमान वाले जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको अपनी जिंदगी को संवारना और उसके लिए कोशिश और तैयारी करना और आखिरत से गाफिल न होना, ये बहुत बड़ा फरीजा है, इसको अदा करना चाहिए। बेशक दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए कमाना दुरुस्त है, बशर्ते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के मुताबिक हो और मनमानी न हो। जब मनमानी होगी तब बर्बादी आएगी और खुदा का गजब उसमें नाज़िल। इसलिए इस बात का ख्याल करना जरूरी है और ये ईमान महफूज रहे तो इस दुनिया से ईमान के साथ जाएंगे तो आखिरत में निजात मिल सकती है। अगर बदअमलियों के नतीजे में अगर इंसान से नबी के अलावा कोई मासूम नहीं होता, हर एक से गलतियां खताएं गुनाह होते हैं, फर्क इतना है कि जो लोग अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त करते हैं और बंदगी और इबादत करते हैं, अल्लाह की मर्जी पर चलते हैं, उनसे अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी नदामत तकलीफ बेचैनी उनको किसी काम का नहीं छोड़, जब तक रो रो करके उस तमाम को धो ले किसी काम के।
और जो लोग गुनाहों में व्यस्त होते हैं, लखपथ होते हैं, रात दिन करते हैं, उनको गुनाहों की बुराई का एहसास भी नहीं होता, मस्त होते हैं, समझते बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, और सबको अपने में दलील समझते हैं। कभी उनको ख्याल भी नहीं होता कि हमने बुराई की है। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार तौबा की हकीकत नदामत है। जब आदमी को बुराई का एहसास हो और शर्मिंदगी हो तो हकीकी तौबा हुई। अब अगर उसके साथ इखलास के साथ, तवज्जो के साथ तौबा के इस्तग़फ़ार के अल्फाज भी अदा हो गए तो ये मजीद सोने पर सुहागा। लेकिन अगर नहीं तो भी नदामत हकीकी तौबा है, अल्लाह ताला सब जानता है। तो इस वास्ते इस्तग़फ़ार तौबा बहुत बड़ी जरूरी चीज है, और अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस्तग़फ़ार करने वालों की बड़ी फजीलत बयान की और बहुत उनके लिए दर्जे अता। तो इसलिए गुनाह तो हर एक से होता है, लेकिन जो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कल्ब दिल अल्लाह के ताल्लुक से बन जाता है, आबाद हो जाता है, उनका उस मामूली गुनाह का एहसास, शर्मिंदगी, तकलीफ, गम बेहद है और किसी करवट चैन नहीं आता, और जिंदगी के सारे काम उनको कड़वे हो जाते। दशा और पाक तौबा और इस्तग़फ़ार करके गुनाह से पहले से ज्यादा अच्छे हाल में हो, अल्लाह ताला उनको उससे भी ऊंचा उठा दे। और जो बेचारे आम लोग हैं, जो गरीब जो है, वो नदामत होती ही उनका नहीं, और गुनाहों पर गुनाह किए चले जाते हैं और अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, दूसरों को वो हकीर करना और बुरा भला समझना कहना और मजाक उड़ाना, इसी खुराफात में अपनी जिंदगी बर्बाद। तो इसलिए गुनाह तो सबसे होते हैं। इस वास्ते जरूरी है कि आखिरत को सामने रखकर इस्तग़फ़ार तौबा अच्छे अमल, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्या, नेकियां गुनाहों को धो दे। जब अच्छे अमल आदमी करता है तो सैकड़ों गुनाह धो जाते खुद ब खुद, और इस्तग़फ़ार तौबा से शिर्क के अलावा कोई गुनाह ऐसा नहीं जो माफ हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला शिर्क को कोई भी करे किसी हालत में हरगिज माफ नहीं करेगा, और यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा अगर कोई गुनाह हुआ है, अल्लाह की जैसी मर्जी होगी, जैसा चाहेगा, जिसको चाहेगा माफ कर, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा। और खताकारों को, गुनाहगारों को अल्लाह ने बुलाया है कि हमारे से बदगुमानी मत करो, और 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये मायूस करना ये शैतान का हर बात है। जवानी की वो हसलत और गुरूर तकब्बुर, वो भी शैतानी असर था, और बुढ़ापे की ये मायूसी, ये भी शैतानी असर। इन दोनों को थूकना चाहिए और हर उम्र में अल्लाह के साथ उसने जन रखना चाहिए। जिसने ये तौफीक दी है कि गुनाहों का एहसास
और इस्तिग़फ़ार की जाए, वो कदर जहां ज्यादा औला है कि वो माँ की और मग़फ़िरत अता फरमाए, इस्तिग़फ़ार को कबूल वो ये तौफीक देना और गफलत न होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला मुतवज्जे है अपने बंदे की तरफ। तभी तो उसको गुमराही के बजाय, बर्बादी के बजाय खींच कर यहां तक लाया। इसलिए उससे उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और इसके पार कब जारी रखना चाहिए। आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह कहता है अना इंदत जन्ने अब्दी भी अल्लाह, मेरा बंदा मेरे साथ जैसी उम्मीद वाबस्ता ऐसा होगा मैं वैसे ही हूं। और अगर ये मायूसी का इजहार करे कि अल्लाह को मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, वो नहीं करूंगा और यू नहीं होगा, इसलिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, मांगना चाहिए। उद्रूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझे मांगो मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूंगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, अपनी तरफ से डिक्लेरेशन देता। कहता बुलाता है कि आओ मेरे से मुंह मत फेरो, मुझसे मांगो, और फिर वादा करता अस्तजीब लगता है अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे मांगोगे तो मैं उसे कबूल करूंगा। इसलिए अल्लाह के इस वादे पर भरोसा करके सच्चे दिल के साथ मांगना चाहिए। जैसे इस्तग़फ़ार से शिर्क नहीं होता, तौबा से शिर्क माफ नहीं होता, सिर्फ शिर्क के माफी की एक शक्ल है कि आदमी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए, तो अल इस्लाम यह दिन माफ न, इस्लाम पहले की सारी चीजों को गिरा देता है, जो शिर्क इससे पहले किया है वो भी मिट जाए जब इस्लाम ले आए। इसके अलावा कोई रास्ता शिर्क के माफी का नहीं, लेकिन शिर्क के अलावा हर खता हर गुनाह अल्लाह के यहां माफी के काबिल है। आकाए नामदार नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि पहली किसी उम्मत में एक आदमी था निहायत बदकार, कोई बुराई छोड़ी नहीं थी सारी जिंदगी में, और उस वक्त ईमान वाले 99 कत्ल किए बिला वजह, ईमानदारों को जो अल्लाह पर ईमान रखते थे कत्ल किए थे। उसे यह ख्याल हुआ बुरा हो रहा हूं, मरना है, क्या होगा मेरा। इस ख्याल से एक मुसलमान ईमानदार एक शख्स मिला, उससे कहने लगा भाई मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, सारी जिंदगी मैंने पाप और गुनाह किया, कोई अच्छा काम कभी नहीं किया, अब और 99 ईमानदार कत्ल किए बिना वजह, कोई शक्ल में तौबा क्यों हो सकती। उस गरीब ने कहा भला तेरे जैसे आदमी की तौबा कैसे हो सकती है, अच्छा मेरी तौबा ही नहीं हो सकती, उसे किसी एक को और कत्ल कर दिया। 99 पहले थे 100 पूरे हो गए, कर लिया कत्ल, फिर सोचने लगा अब क्या होगा, फिर बर्बादी, मरने के बाद क्या हजर होगा, अल्लाह सोचता रहा परेशान रहा। उस वक्त जो नबी थे वो तलाश करता करता उनके पास आ और कहने लगा जो हुजूर में आया हूं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा, बहुत ही बदतरी और 100 ईमान वालों को बिला वजह कत्ल कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, मगर अब ये चाहता हूं कि मेरी तौबा हो जाए, कोई शक्ल माफी की होती हो तो आप बताइए।
कहने लगे भाई मैंने भी आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, न सुना न देखा तेरे जैसा। इस वास्ते मैं क्या बताऊं, अगर तू कल को आए तो मैं रात को तेरी दरखास्त अल्लाह से पेश कर दूं कि अल्लाह तेरा एक ऐसा बंदा बाबरी खराब तौबा करना चाहता है, अगर कोई शक्ल हो तो बताइए। अल्लाह जो बताएगा कल तुझे बता दू। तो हाँ ठीक है, कल को आ जाऊ। चला गया। दूसरे दिन आया और हुजूर में आ गया, कहा भाई रात मैंने तेरी दरखास्त अल्लाह के सामने पेश की थी, एक बंदा ऐसा 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 निहायत खराब, अल्लाह सारी दुनिया जानता है, टूटी फूटी हुई है। अल्लाह ने कहा उससे कहो कि अगर वाकई सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है जावेद मुहम्मद, और वहां जाकर तौबा इस्तगफार करे। अगर वहां जाकर तौबा इस्तगफार कर ली तो हम कबूल कर लें। अच्छा ऐसी बात है, चला। तो उसने सामान वामान बांधा और चल दिया तौबा करने के लिए बैतुल मुकद्दस। हुजूर फरमाते थोड़ा ही चला था कि उसकी मौत का वक्त था। अब वो रेते में सहरा में चटियल मैदान में मरने के लिए पड़ा, और जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो दोनों किस्म के फरिश्ते उसकी जान निकालने आए, वो जो अच्छों की रूह निकालते और वो जो बदमाशों और खराब लोगों की काफिरों की रूह निकालते। दोनों उन्होंने कहा कि ये तौबा के लिए चला था इसलिए हम इसको अच्छों की तरह ले जाएंगे। दूसरे ने नहीं, बड़ा खराब है, इसने कोई काम नहीं छोड़ा, हम इसको खूब कुछ लेंगे चलेंगे, ऐसी तैसी इसकी करेंगे हम ले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते इस बहस में अर्श कर गए और जाकर अल्लाह से कैफियत जान की कि लाल आलमीन एक ऐसा आदमी फला जगह सहारा में रहते में वहां पड़ा हुआ है मैदान में, और उसका वक्त आ गया, कौन निकाले उसकी जान, अच्छे वाले फरिश्ते या बुरे वाले फरिश्ते, कौन निकाले। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने कहा जाओ जाके जमीन ना पड़ो, अगर घर के करीब निकले करो तो शामिल कर दो, और अगर बैतुल मुकद्दस से करीब निकले अच्छों में शामिल। और हुजूर फरमाते हैं कि वो तो बैतुल मुकद्दस से बहुत दूर, अभी तो करते चला ही था, तो 50 मील चला होगा, बैतुल मुकद्दस तो सैकड़ों मील दूर था, इधर तो फरिश्ते चले जमीन नापने, तो इधर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया घर की तरफ की फैल जाए, और बैतुल मुकद्दस की तरफ की जमीन को हुक्म दिया सिकुड़ जाए। अब जो नापा तो बैतुल मुकद्दस से करीब घर से दूर, और अच्छा हो जाए। तो भाइयों अल्लाह की रहमत बहुत उसका कोई मुकाबला नहीं। ये शैतान आदमी को काफिर बनाता है जानती हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा इन शैतान अदुल्लकुम फत्तखिज़ूहु अदुवा, शैतान तुम्हारा असली दुश्मन। जब से आदमी बने पैदा हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही थी, तब से उसने बगावत शुरू की और जहन्नम कबूल किया और जन्नत को छोड़ा और महरूम हुआ इंसान की दुश्मन, उस अजली दुश्मन। और जब वो जहन्नमी निकाल दिया गया जन्नत में और जहन्नमी अपराध दे दिया गया, तो उसने ये दरखास्त की मुझे मौका दे, और जब अल्लाह ने मौका दे दिया क़यामत तक करो जो तेरा जी चाहे, तो उसने अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम। और ये काइला आलमीन तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, कसम है मैं जहन्नमी इसी इंसान की वजह से, और ये इंसान जन्नत में देखता हूं कैसे जाना, उसके दाहिने से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा, जितना जोर हो सकता है सब लगाऊंगा इसको जहन्नम में भेज दूं और ईमान से करूंगा।
میری چوٹی لگ. اللہ نے فرمایا اس کی قسم جھوٹ کر کے کہ اگر یہ انسان ہزار دفعے تہارت گناہ کرے تو پھر لوٹ کے میرے پاس آ جائے گا تو میں ہزار دفعے اس کے گناہوں کی توبہ کو قبول کروں. اس کو جنت میں پہنچا. بھائیو یہ معرکہ چل رہا ہے دنیا, اور اس معرکے کے سب سے بڑے مرکز یہ امریکہ, برطانیہ, روس وغیرہ جو لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں رات دن, نسلوں کی نسلیں, قوموں کی قومیں, سب جہنم کی طرف دھکیلے جائیں اور اللہ کی مرضی سے بچا. ساری دنیا کو اس کوشش میں سارے وسائل جھونک رکھے کہ کوئی آدمی نجات نہ پائے, جنت نہ پائے, سب کو جہنم میں رکھے. بھائیو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ بتا. ساری نعمتیں دے کر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو مسلمان گھر, مسلمان ماں باپ دیے, ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جس میں ایمان خود بخود ہم کو مل گیا. پاپڑ نہیں بیلنے پڑے, مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑی, سر نہیں کٹوانے پڑے, دنیا اور مصیبتوں کو جھیلنا نہیں پڑا, قربان نہیں کرنا پڑا. اور ایمان جیسی دولت سارا عالم ہزار دفعے دیا ہے, ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اب اس ایمان کے طرف میں مسلمان ہونے کا تو یہ فرض ہے کہ آپ پانی دیجئے, فرٹیلائزر دیجئے, گھاس صاف کیجئے, اس کو تنومند مضبوط بنائیے, اس میں پھول لگے, کلیاں لگے, پھل لگے, وہ آپ کو آخرت میں بھلائی دے اور نیکیوں کے ڈھیر اور گناہوں اور حرام سے بچنے کے وہ نتائج چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس ایمان کے درخت پر تیزاب کی بوتلیں لا کے ڈالی جائیں, گرم انگارے ڈالے جائیں اور اسے پھونکا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, خشک کیا جاتا ہے, طرح طرح سے اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, یہ ایمان کا درخت ختم ہو جائے. یہ ہمارا حال ہے. اس لیے بھائی ایسی حالت سے اپنے آپ کو بچا اور اس ایمان کے طرف کو جتنی آپ یاری کرو گے, پانی دو گے, کھاد دو گے, گھاس صاف کرو گے, مضبوط بناؤ گے, اتنے ہی تم کو اس آخرت کی زندگی میں کامیابی کے چانس بڑھتے چلے جائیں اور مصیبتوں کے امکانات کم ہوتے جائیں. یہی ایک راستہ ہے اس کی مقصد سبزیوں کو لائی. اسی لیے اللہ نے ساری دنیا دی, اسے برتو استعمال کرو اور اس ایمان کے درخت کو مضبوط کرو, پانی دو, گھاس صاف کرو, پٹی ہمارے یہاں تو اس کو فرٹیلائزر نہیں کہتے, کھاد کہتے ہیں, مگر آپ لوگ تو ماشاء اللہ یہاں رہ کر کے بھولتے چلے جاتے ہیں اور ایسی نسل تیار کر رہے ہیں کہ جو سوائے یہاں کی زبان کے کچھ جان نہیں سمجھے دیں. تو خیر اتنے تک بھی تو یار مذائقہ کم ہے. اصل مذائقہ تو اس میں ہے کہ ایمان تو نہیں جا رہا, بدقسمتی سے مسلمان آئے دین کے لیے نہیں. یہ دین یہاں کیا رکھا ہے, یہاں تو کفر ہی کفر ہے, یہاں آئے دنیا کے لیے اور دنیا کے لیے لاکھوں اولادوں کو کافر بنا کے جا رہے. آج آپ لوگ شاندار شاندار لاکھوں ڈالروں کی مسجدیں بنا کر اس حالت میں کھڑے ہیں کہ 16 سال سے اوپر کے بچے کو 1% آپ مسجد میں نہیں لا سکتے. بولو سب بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو,
2% भी 15-16 साल से ऊपर बच्चे को मस्जिद में ला सकते हो पहुंचो? बोलो बोलो नहीं। कुछ दिन ऐसा ऐसे चंद बरस है अभी कि आप लोग अपने घर में कुछ कह सुन सकते हैं, कर सकते हैं। अगले 10-15-20 वर्षों में आपकी ये हैसियत खत्म हो जाए। ये बिगड़ी हुई औलाद जो आप मस्जिद में ला नहीं सकते किसी कीमत पर, ये तुम्हारे घर पर भी काबिज हो जाएगी और तुम्हारा कब्जा खत्म हो जाएगा। फिर या इनकी ठोकरें घर में खाना, या तुम्हें निकाल देंगे, सड़क में फेंक देंगे, एम्बुलेंस उठा करके ले जाएगी बुद्धों के कमरे में मौत के इंतजार। बस कोई चीज नहीं। इस मस्जिद में कौन आए? ये जो मौजूदा नस्ल है 20-25 साल में जब ये चली जाएगी, मरना है कि नहीं? या नहीं मरोगे? बोलो, मौत नहीं आएगी तुम्हें? मुझे नहीं आएगी? कौन है जो नहीं मरेगा? फिर कौन आ किस कौन आएगा? खबरों में उठ के आओगे नमाज पढ़ने? ये जो नस्ल आज 15 बरस से बड़ी त्योहार त्योहार सब कुछ होते हुए भी मस्जिद में नहीं घुसती, ये है कि नहीं? किसके लिए मस्जिद बनाई? इसीलिए बनाई थी कि 20 साल तक नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें ईसाई और यहूदी कुत्ते लेके घूमा करेंगे, दुनिया को मजाक उड़ा के दिखाया करेंगे, खबीस मर्दूद आए थे छोड़ के चले गए बनाकर। इसीलिए बनाई मस्जिद बनाने का शौक है, ईमान बचाने के लिए कुछ करने को तैयार है। तो पूरी नस्ल काफिर बन रही है। क्या काफिरों की कौन सी कमी है कि तुम लाखों और काफिर इनको दे रहे? नहीं तुम पर अल्लाह को क्या मुंह दिखलाओ? जैसे तुम पर फर्ज है कि तुम मर्द और हराम से बचो, ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इससे बड़ा फर्ज है कि अपनी औलादों को ईमानदार। और सरकारी स्कूल में पढ़ा करके तुम्हारी औलादें दीनदार नहीं रह सकती, बिल्कुल मुमकिन नहीं। जो पूछते जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं, मां लड़की लड़की को और बाप लड़के को एक चपत नहीं मार सकता किसी बात। कहो किसी की हिम्मत है? बोलो, इतने बैठे हो नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, है। उसी वक्त टेलीफोन करके पुलिस को बुलाएगा और चला जाए। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1% ऐसे लोग नहीं है। हाँ, ये बात नहीं, जो कि जो चपत मार करके अपने बच्चे को घर में रख ले, उसी वक्त पुलिस आएगी और लेके लड़की को भी, हजारों हजारों चले गए और लड़कियां चल गई, फिर सूरत नहीं देखी किसी ने। इसलिए ऐसा नहीं है, जो सूरत हाल है उसको हकीकी तौर पर उनकी तरबियत और तालीम स्कूल से बच करके हो और उनके ईमान को बचाने की कोशिश की जाए। देख रही हो पूरी अमरीका में, इंग्लैंड में, किसी मुल्क में एक ही बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता, अपने स्कूलों में जाता। और आप जो हाथ उठाकर हिम्मत का इजहार कर रहे हैं वो सब मारा पीटा जाता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं चलता। यहूदियों के स्कूल और उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और यहूदी का बच्चा यहूदी होता है, बातिल का बातिल ही पढ़ रहा है। हजारों साल से यहां रहते हैं, सिर्फ सरकारी स्कूल न भेजो। और देख लो तुम्हें 50 बरस भी नहीं हुए और यहां आकर के अपने औलादे भेज करके महरूम होते जा रहे, ईमान से, दीन से, इस्लाम से, सब चीजों से खत्म हो रहा। अब तो ये वाकयात मुशाहदात बन गए, ख्याल नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम तैयार नहीं तो तुमसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, जो सिर्फ दुनिया के खातिर अपनी औलादों को काफिर बना करके जहन्नमी बनाकर छोड़ कर चले जाएंगे। तो अल्लाह क्या जवाब दोगे भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिह। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी को अल्लाह क्या जवाब देगा?
इसलिए भाइयो खुद भी शरीयत पर चलो, दीन पर चलो, ईमान की हिफाजत करो और अपनी औलादों के दीन ईमान के हिफाजत के फरीजे को पूरा करो। हराम है अपने बच्चे को इस सरकारी स्कूल भेजकर कुफ्र की तरफ धकेल। किसी मुसलमान औरत मर्द के लिए जायज नहीं और आखिरत में अल्लाह ताला अजाब को तला करे, कुछ और नहीं। इस फर्ज को अदा करो, जैसे खुद शरीयत पर चलना फर्ज है इसी तरह अपनी औलादों को दीन ईमान की हिफाजत करना, मुसलमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। तो पूरा करो ताकि आखिरत में निजात मिले अल्लाह से और के सामने सुरखरू हो और रू सियाही और आजाब और लानत पर सबर सको। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा। अजान के बजे होती है उन्हें दस के बाद दे दी, तो इसलिए आप हजरात को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने इंसान बादशाह रखा है। आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जसद मुज़ग़तुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वही अल्क़ल्ब। आदमी के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए सारा आदमी ठीक हो, अगर वो बिगड़ जाए तो सारा आदमी खराब। फरमाते अला खबरदार, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है, दिल कल्ब है, ये कल्ब इंसान का राजा है बादशाह। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा दिल वैसा इंसान। अगर ये ठीक तो सारा इंसान, और अगर ये सड़ गया खराब हो गया तो सारा इंसान बिगड़ गया। बिगड़ता कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब आदमी एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग, फिर अगर उसने दूसरा किया तो दूसरा, तीसरा किया तीसरा, यहां तक कि उसका सारा दिल काला हो, फिर अगर और गुनाह किया तो सियाही पर्दा हो, मोटी मोटी तहें जम जाती, ऐसा हो जाता है जैसे लोहे पर जंग पड़ गया। अल्लाह ने कुरान में कहा कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर गुनाहों की नहूसत के जंग के मोटी मोटी तह जम गई। ऐसे आदमी को अच्छी बात, अच्छी जगह, नेक काम किसी तरह बर्दाश्त, तड़पता है, परेशान होता है, बेचैन होता है, कहां भाग जाएगा, कोई अच्छा काम उसे, उसे तो बुराइयों ही में मजा उसी में रहता है उसी में। इसलिए भाई नबी के अलावा कोई मासूम नहीं, सिर्फ अंबिया किराम मासूम, सबसे गुनाह होते हैं। इसलिए इस मर्द के इलाज की सबको जरूरत। आका नामदार सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज बताते हैं, फरमाते हैं लिकुल शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। फरमाते हर चीज के मांझने का, मैल कुचैल जंग सियाही कुदूरत गंदगी दूर करने का सामान। हमारे यहां एशियन मुल्कों में जब कड़ाही गंदी हो जाए तो लोग पत्थर से, झावे से, ईंट से, रेते से मांझी जाती, पीतल का बर्तन गंदा हो जाए तो ब्रासों से साफ किया जाता, लेकिन अगर कोई नाजुक शीशे का बर्तन हो और वो खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तो उसको सर्फ से, साबुन से धोते हैं। अगर उसे
ईंट से पत्थर से लगाने लगे टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो अगर दिल गंदा हो जाए, गुनाहों का असर स्याही रंग लग जाए, और किसी की ख्वाहिश हो कि मेरा दिल सलीम हो जाए, ठीक हो जाए, गंदगी ये रंग ये स्याही ये नहूसत ये कुदूरत अल्लाह से उसके दीन से बहुत दूरी दहशत निकल जाए और वो ठीक करना चाहे दिल को, तो हुजूर फरमाते हैं तो सकालतुल कुलूब, दिलों के साफ करने का सामान जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से ये दिल मचते, कुदूरतें दूर होती है, वहशत दूर होती है, जंग दूर होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह अपने जिक्र का हुक्म दिया है मुसलमानों। अल्लाह ने कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो और अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम ध्यान किया, तारीफ होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र खड़े बैठे लेटे करवटों पर सारी जिंदगी करते रहो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून, ए ईमान वालों तुमको तुम्हारी खेतियां बागार तिजारत नौकरी ड्यूटी मेहनत मजदूरी कारखाने इंडस्ट्रियां बीवी बच्चे रुपया पैसा सोना चांदी पोते नवासे खानदान वाले ये चीजें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ऐसा न हो कि तवज्जो न हो, फुर्सत न हो, उसके लिए टाइम न निकालो, मेहनत न करो और अल्लाह के जिक्र से गाफिल करो, ऐसा न हो जाए। तो मैं फल डाली का और जिसने ऐसा किया कि दुनिया में लगकर अल्लाह से गाफिल हो गया, सारा दिन रात दुनिया ही गैरुल्लाह में है, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, कौलाई कौमल खासिरून, अल्लाह कहता यही है घाटे वाले नुकसान वाले डूबे वाले। आज पता नहीं चलता, वक्त करीब है जब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। इसलिए अल्लाह ने जगह जगह कुरान करीम में अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून, ऐ मेरे बंदो बस तुम मेरा जिक्र करो, अज़्कुरकुम तो तुम्हारा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे मत भूलो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, और मेरा शुक्र करो नमकार। आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है अना माल अब्द मा तहरकत फी शफता, मैं अल्लाह कहता है मैं बंदे के साथ साथ होता हूं जब तक उसके होंठ मेरे जिक्र में हिलते रहे, जब तक वो मुझे याद करता है मैं उसको छोड़ कर नहीं जाता उसके साथ। इसी तरीके से हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है अना जलीसो मन ज़करनी, मैं उस आदमी का मुसाहिब जलीस हमनशीन होता हूं जो मेरा जिक्र करता है। इसी तरीके से हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसे याद करता हूं।
تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ, اس کے مجمع سے اچھے مجمع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح نواز. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت بنتا ہے تو میں اس کی طرف ایک کھاد بنتا ہوں, اور جب بندہ میری طرف ایک کھاد پڑتا ہے تو میں اس کی طرف ایک پاؤ پڑتا ہوں. میں نے کہا نہیں یمشی اتے وہ ہر غلط, جب بندہ میری طرف چل کے ہٹا تو میں اس کی طرف دوڑ کے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ہر طرح نوازنا چاہتا ہے, کوئی اس سے لینا بھی چاہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لہنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے اندر لیے ہمارے راستے میں اللہ کے راستے مجاہدہ مشقت محنت کرتے کوشش کرتے ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے چلو اس کو چلو. تو بھائیو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق, یہ دنیا کا تعلق کہاں لے جائے؟ دنیا ضرورت کی چیز ہے, جیسے پہلے اب تو ٹوائلٹ پیپر ہو گئے, پہلے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا خشک کرتے تھے, تو وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ ضرورت کی چیز تھی, استنجا خشکیا اٹھا کے پھینک دیا. دنیا مٹی کے ڈھیلے کی طرح سے, اسے کماؤ استعمال کرو ضرورت پوری کرو پھینکو, یہ مرغوب محبوب چیز نہیں ہے ضرورت کے. محبوب اور مرغوب مالک حقیقی صرف اللہ, اس کے ساتھ تعلق ہو. بابا رب سے رشتہ جو, بابا سب سے رشتہ تو, سب کے ساتھ معاملات اچھے کرو, دل صرف اللہ میں لگا, غیر نہیں ہے کوئی اس قابل کہ اس میں دل لگایا جائے. جو غیر اللہ میں دل لگائے گا تو دونوں جگہ حسیبت کھائے گا, دنیا میں بھی آخرت. اس لیے بھائیو آخرت کی فکر کرو, اتباع شریعت کرو, اولادوں کے دین ایمان کے فرض کو پورا کرو, اور اللہ سے تعلق جوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, کوئی چیز دنیا کی اللہ کے عذاب سے اتنی بچانے والی نہیں جتنا اللہ کا ذکر بچانے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے پہاڑ کسی کے ہو جائیں اگر اس کو اللہ کے ذکر کے سمندر میں ڈال دو, ایسے پگھل جائیں گے جیسے نمک کے پہاڑ سمندر میں ڈال دو. اگر نمک کے پہاڑ ہو پانی کے سمندر میں ڈال دو تو پگھل جائیں گے, ایسے ہی گناہوں کے پہاڑ ہو اللہ کے ذکر کے سمندر میں ڈال دو تب پگھل جائیں گے. اس لیے بھائیوں اس نعمت سے محروم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت او كما قال صلى الله. اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. اللہ کا ذکر اللہ کے یہاں زندہ ہے, اللہ اس کو زندہ مانتا ہے, اور اللہ کے ذکر سے غافل چلتی پھرتی لاش زندگی اس کو نصیب نہیں. اس لیے بھائیو کرو توجہ کرو, یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ صرف دنیا میں لگا دو, دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت. ان دنیا خلقت لکم فانکم خلقتم للآخرۃ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی تم کو آخرت کے لیے پیدا, اس لیے اس کی تیاری سے غافل مت رہو. اس ان سانسوں کو عمر کو غنیمت سمجھو, اگر اس کا فائدہ اٹھاؤ گے تو ایمان پر خاتمہ آسان ہوگا, گناہ معاف ہو گے, خدا کے عذاب سے بچو گے, اور ایمان مضبوط ہوگا اور بھلائی اور مغفرت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
और एक फुल टाइम स्कूल दूसरा भी हरी बात है। मैंने तो कही इनकी समझ में अल्लाह कर दे दे, मैं तो इसको भाई स्कूल की बात मैंने नहीं कही जी, तरह इनके लिए दुआ करें जी अल्लाह ताला इनको जुदाई कर दे और उसमें और हिम्मत दे और कुर्बानी की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और फुल टाइम इस्लामिक स्कूल भी इनका बच्चों को भी अलग अलग अभी तो 9 बरस तक तो एक ही स्कूल चले और 9 बरस के बाद बच्चों का अलग बच्चियों का इंशाल्लाह स्कूल होने चाहिए और उनके दीन ईमान की इबादत। हम तो संडे के दिन भी बच्चों और बच्चियों को अलायदा रखते हैं, इतवार के दिन जो हमारा अख्तियार में दरसा होता है उसमें भी अलायदा करते हैं। बहुत अच्छा दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अबदा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमें मग़फ़िरत रहमत से नवाज दे। अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमें हिदायत अता फरमा, ईमान अता फरमा, इस्लाम की फिक्र अता फरमा, अपने औलादों के दीन की फिक्र अता फरमा, ईमान की फिक्र अता फरमा, उनके लिए स्कूल बनाने और तरक्की देने और हर बच्चे बच्ची को उसमें पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया की मोहब्बत के हमारे हमको हमारे दिलों से निकाल दे, दुनिया की इज्जत को दूर फरमा दे। अल्लाह अपने और अपने दीन और आखिरत की इज्जत को रुतबे को बढ़ा दे, उसकी फिक्र अता फरमा, फजलतों से हमें निजात अता फरमा। अल्लाह हमें सच्चा ईमान अता फरमा, हमारी मर्जियात से हमें मालामाल फरमा, अपनी मर्जियात से मालामाल फरमा। अल्लाह हमारे मकासिद पूरे फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जों को अदा करवा दे, मुसीबतों की मुसीबतों को दूर कर दे, दारैन की नेमतें अता फरमा, हलाल रिज़्क अता फरमा, शरीयत के मुताबिक दीन गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने फजल से हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, जो लोग गुजर गए उनको मग़फ़िरत रहमत से नवाज दे, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा, मस्जिद के एहतराम की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको भाई भाई बनकर ईमान की हिफाजत की जद्दोजहद की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Allah 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 Allah.